नमस्ते। आप सब श्रोताओं दर्शकों का स्वागत, सादर नमन धनंजय कुमार की ओर से। आज के इस कार्यक्रम कहानी त्रयम श्रृंखला कार्यशाला में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर की ओर से सबका स्वागत। ये सेंटर शेंटिली वर्जीनिया यूएसए में स्थापित है और समाज की सांस्कृतिक सेवा में लगभग 40 साल से कार्यरत है। यहाँ भारतीय भाषा, संस्कृति, कला, योग आदि कक्षाओं में लगभग 25 अध्यापक अध्यापिकाएं संलग्न हैं। हर सप्ताह लगभग 100 कक्षाएं लगती हैं। इस संगोष्ठी में प्रमुख योगदान रहेगा डॉक्टर प्रोफेसर हरीश नवल का। वे एक सम्मानित, पुरस्कृत, प्रख्यात, वरिष्ठ लेखक, कवि, व्यंग्यकार और पिछले 2 दशक से मेरे परम मित्र रहे हैं। इनका विस्तृत परिचय उनकी पुत्री डॉक्टर आस्था नवल देंगी, जो इस मंच का संचालन भी करेंगी। आपको यह भी बता दूं कि इस कहानी श्रृंखला के बाद हरीश जी के नेतृत्व में अगली परियोजना भी साकार होगी, जिसका शीर्षक होगा हिंदी साहित्य भंडार। उस श्रृंखला में हम इन 3 कहानियों की श्रृंखला भी जोड़ेंगे, जो आप सबको उपलब्ध होगी सदा के लिए। उस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी काव्य, कथा, लोक कथा, पट कथा, उपन्यास, नाटक, व्यंग, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, चलचित्र, पत्रकारिता और प्रवासी हिंदी साहित्य, इन सभी विधाओं और शाखाओं पर चर्चा होगी। तो चलिए अब आस्था जी की ओर उन्मुख होते हैं। वे अमेरिका के अनेक संस्थाओं में हिंदी सिखाती रही हैं और हमारे स्कूल में नाट्य के माध्यम से हिंदी सिखा रही हैं। इनकी कविताएं अत्यंत मार्मिक और लोकप्रिय होती हैं। इनकी मासिक श्रृंखला 4 कवि गोष्ठी लोकप्रिय होती जा रही है। तो लीजिए उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंच का संचालन और कार्यक्रम को प्रबुद्ध करें। वो शायद इस कार्यक्रम में तनिक कुछ क्षणों के बाद जुड़ेंगी। तो पहले प्रस्तुत करते हैं हरीश जी को, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक कथा उसने कहा था के बारे में चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बारे में कुछ बातचीत प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेंगे। धन्यवाद। अब सुनिए हरीश नवल जी से और उसके बाद उनकी पुत्री आस्था नवल भी इसमें जुड़ेंगी। कहानी जो है वो एक ऐसी विधा है जो हमें बचपन में सबसे पहले मिलती है। हम जब अबोध होते हैं तो हम लोरियां सुनते हैं और जब हम थोड़ा सा बोध प्राप्त करते हैं तो हम हमेशा कहानी सुनते हैं। तो वो जो कहानी है, चाहे वो दादी सुनाए, नानी सुनाए, वो परी कथाएं हैं, वो वैज्ञानिक कथाएं हैं, वो धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता चला जाता है और हम पराग से चंदा मामा हो जाते हैं और चंदा मामा से शक्ति पुत्र हो जाते हैं, उसके बाद हम नंदन हो जाते हैं। तो वो कहानी का एक विकास चलता है। हम जो कुछ करते हैं, कहते हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, कथाएं ऐसी होती हैं, गाथाएं ऐसी होती हैं जिनको हम कविता में कहते हैं, चाहे उनका नाम रामचरितमानस हो। रामायण की जितनी भी कथाएं हैं
वो प्राय पद्य में लिखी गई है, कविता में लिखी गई है, किंतु हैं भी कथाएं। तो कहानी जो है ये हमारे साहित्य का एक मूल उत्स है, एक ऐसा स्रोत है जहां से साहित्य की समस्त विधाएं फूटती हैं। वही कहानी जो है वो अपने लघु रूप में लघु कथा बनती है, अपने वृहत रूप में वो उपन्यास बन जाती है, और फिर उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, चाहे वो उपन्यास के रूप में ऐतिहासिक उपन्यास हो, मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो, मनोविश्लेषक उपन्यास हो, दार्शनिक उपन्यास हो, सामाजिक उपन्यास हो, इत्यादि इत्यादि। और लघु कथाओं के रूप में वो कम शब्दों में पूरी बातों को कहते कहते एक अथाह विचार मंथन आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। तो कहानी क्योंकि गद्य का एक बड़ा हिस्सा है, तो ये मस्तिष्क का खाद्य हम इसे कह सकते हैं, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना कि साहित्य मस्तिष्क का खाद्य है। हम अपने उदर के लिए, शरीर के लिए, पेट के लिए भोजन करते हैं, लेकिन हम अपने बौद्धिक वैभव के लिए साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य में कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी जन जीवन से, अनेक तरह के परिवेश से हमको अपने साथ लेकर के चलती है। अब हम सब बाद में जब बड़े, अब चाहे आप वो जैसे प्रेमचंद की कहानी है जिन्होंने आप सब ने पढ़ी है, जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं वो कम लोगों ने पढ़ी है किंतु बहुत अच्छी कहानियां है, सुदर्शन है, और उसके बाद की पीढ़ी में जब जैनेन्द्र कुमार आते हैं, यशपाल आते हैं, और उनके बाद जब अज्ञेय आते हैं, अज्ञेय के बाद जब कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आते हैं, उनके साथ मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, राजेंद्र अवस्थी, एक बहुत कहानी की जो संपन्नता है बढ़ती चली जाती है। और कहानी जैसा मैं बीच में कहते कहते बदल गया था, रुक गया था, कि पश्चिम में जो उसके साहित्य के ट्रेंड चलते हैं वो फिर भारत में सभी साहित्यों में, हिंदी साहित्य में भी, मराठी में भी, तमिल में, तेलुगु में, सब में उनका प्रभाव लक्षित होता है, जिसका एक बड़ा कारण जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रादुर्भाव है, जहाँ जिनमें हमारे ये बहुत से बड़े बड़े लेखक पले बड़े हुए, जिनके नाम मैंने अभी लिए थे, उनमें से ज्यादातर सब वो हैं जो उस आजादी में, आजादी के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनमें से कुछ ने भाग भी लिया, जैसे अज्ञेय ने भी भाग लिया, जैनेन्द्र जी ने भी भाग लिया। तो मैं उनमें एक नाम ऐसा है जो बहुत बड़ा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी जी का नाम जितना बड़ा है, जितना प्रसिद्ध है, उतना ही नाम उनकी कहानी का प्रसिद्ध है। उसने कहा था, इस पर टेलीविजन में धारावाहिक बन चुके हैं, इसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, इस पर फिल्म बनी थी बॉलीवुड की, जिसमें सुनील दत्त ने मुख्य, लहना सिंह जो इसका मुख्य पात्र है, उसका रोल उन्होंने, उसका चरित्र का निर्वाह किया था। तो ये एक ऐसी चर्चित कहानी है कि देखिए, एक ऐसा कहानीकार जिसके लिए कहा गया कि उसने केवल 3 कहानियां लिखी, उनकी कहानियां थी सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां उनके नाम से हमें मिलती हैं जो पूर्ण कथाएं हैं, और जो लगभग पूर्ण है, लगभग पूर्ण से मेरा मतलब है, मैं आपको वैसे तो नहीं एकदम से बता पाऊंगा, कि यानी जिनमें वो कथा तत्व नहीं है जो इन 3 कहानियों में है। उसमें उनकी एक कहानी बाद में मिली घंटाघर, एक कहानी मिली पनघट, एक कहानी मिली रीच, और एक मिली हीरे का हार। और इनमें भी क्या रहा कि इनकी हीरे का हार जो कहानी है उसको सुशील कुमार फुल नाम के विद्वान ने पूर्ण किया, वो अधूरी रह गई थी, तो उसमें वो बात नहीं आई जो बाद में जोड़ा गया। होता भी है कि जब आप किसी चीज को दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसकी मनोभूमि कुछ और होती है, और एक समय का फासला जो है उसमें काफी अंतराल पैदा कर देता है, स्थितियां बदल जाती हैं, तो वो बहुत चर्चित नहीं हुई। और इन 3 कहानियां भी अगर हम लेकर के चलते हैं तो इनमें जो उसने कहा था कहानी है, ये एक समय जब मैंने पहली बार ये कहानी के बारे में सुना था, तो मैंने अपने गुरुवर डॉक्टर धर्म भानु जी सुकुमार, जो एक बहुत बड़े व्याकरण शास्त्री थे, उनके मुख से ये सुना था कि ये कहानी कभी विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती रही है। तो एक ऐसी अद्भुत कहानी पर हम चर्चा करेंगे जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में अपना स्थान रखती है। भारतीय साहित्य बहुत विशाल है और बड़ा प्रबुद्ध साहित्य है, उसमें भी हिंदी साहित्य का एक भाग बहुत विशाल है। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई, और इससे पहले जैसा आस्था ने कहा कि मैं कहानी के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊं,
हमारे यहाँ माना जाता है कि जो आधुनिक कहानी है वो रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खान की कहानी से मानते हैं। ये काफी देर तक इसको माना जाता रहा, आज भी बहुत से लोग मानते हैं, किंतु अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहानी कम और एक लघु उपन्यास अधिक लिखेगा मिलेगा। और फिर एक कहानी की चर्चा होने लगी कि माधव राव सप्रे का टोकरा भर मिट्टी, ये कहानी जब आप पढ़े तो आपको लगेगा कि ये पूर्ण कहानी नहीं है, ये एक लघु कथा है। और फिर 1911 में जब हम आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान की कहानी मिलती है 11 वर्ष का समय, फिर बंग महिला की कहानी मिलती है दुलाई वाला, किंतु इन कहानियों में भी वो तत्व नहीं है जो विश्व साहित्य में अपना नाम स्थापित कर सके या भारतीय साहित्य में भी वो गिनी जा सके उस ढंग से जैसा जो तत्व 1915 की कहानी उसने कहा था में मिला। और इस कहानी का भी बड़ा रोचक किस्सा है, इस कहानी को इसकी जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध है। आप जानते हैं कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और उस समय चूंकि जर्मनी के खिलाफ जो बरतानी फौजें वगैरह थी, जो देश थे, उनमें भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने के लिए भेजे जाते थे, तो उन्हीं में ही जो कुछ ऐसे सैनिक भेजे गए थे जिसमें हम इस कहानी में पढ़ेंगे, जिसका नायक है वो जमादार लहना सिंह। तो जमादार एक पदवी होती थी जिसको बाद में नहीं कहा गया, क्योंकि जमादार शब्द किसी और कार्यक्षेत्र में माना जाने लगा, उसका प्रयोग भी नहीं होता, तो उसको आजकल नायाब सूबेदार कहते हैं। तो ये जेसीओ होते हैं, जॉइंट जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, तो उसमें नायाब सूबेदार। तो लहना सिंह समझिए नायाब सूबेदार थे, और वो फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर जो घट रहा था उसको लेकर के उन्होंने जो कुछ किया, वो सारा का सारा जितनी कल्पना की थी वो सारी मौलिक कल्पना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की थी। तो उन्होंने इसमें जहां पर उन्होंने भारतीय सैनिकों की वीरता शौर्य और उनकी प्रतित्व पन्नमति, जो उनका जो सोचने की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जहां उसकी बात की है, वहीं पर उन्होंने उसको एक प्रेम कहानी का रूप दिया। तो इसको माना जाता है कि ये हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी है। तो जब ये प्रथम प्रेम कहानी है, और तब इसको अब धीरे धीरे विद्वान मानने लग गए हैं कि अगर हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में अगर हम किसी कहानी को लेना चाहते हैं जो फ्लोलेस है, जिसमें हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं नजर आती, तब ये कहानी सर्वोपरि मानी जाती है। इस कहानी के आगे चाहे प्रेमचंद की कहानियां हो, जो उन्होंने 300 कहानियां लिखी, 299 कहानियों का एक पूरी सूची बनी हुई है, पहले कम थी तो 56 कहानियां कमल किशोर गोयनका जी ने जो ढूंढी थी, क्योंकि आलोचक का महत्व होता है, जो बात लेखक खुद नहीं जानता वो बात समीक्षक आलोचक जानते हैं, उसको पैदा करते हैं, तो उसकी भूमिका बहुत है। उसने कहा था कि बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इससे पहले मैं आलोचक की भूमिका एक प्रसंग बता रहा हूँ कि कबीर को हमारे देश में ज्यादा नहीं जाना जाता था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक ने उन पर काम किया, और जब उनकी पुस्तकें आई तो लोगों ने लगा कबीर, और आज कबीर सबसे बड़े कवि के रूप में विख्यात है। और इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इतने बड़े इतिहासकार साहित्यकार हुए, आलोचक थे बहुत बड़े, उनकी एक पूरी परंपरा है जिसको हम हिंदी आलोचना की प्रथम परंपरा कहते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को हम दूसरी परंपरा कहते हैं। तो प्रथम परंपरा में उन्होंने किसको खोजा, तुलसीदास को। कैसी विचित्र आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास भी बहुत ज्यादा जाने नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खोजा। अब मैं आता हूँ गुलेरी जी पर। गुलेरी जी पर उनके जो उनके भाई का जो परिवार है, उस परिवार में डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी और पीयूष गुलेरी, ये दो भाई ऐसे जिनमें पीयूष जी तो अब नहीं रहे, उनका 2 वर्ष पहले देहांत हो गया, और प्रत्युष गुलेरी हैं मेरे मित्र हैं, मेरे समवयस्क हैं। मैंने चाहा था कि वो आज के ये मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था कि गुलेरी जी का वंशज जो है आपके सामने प्रस्तुत हो, किसी कारणवश कोई और परिवार में ऐसा व्यक्ति बीमार है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाएंगे। वैसे भी वहाँ इस समय सुबह की 6:30 बजे हैं, और वो भी वो जहाँ रहते हैं
वहां इतनी सर्दी पड़ती है कि वो दिन 8 बजे ही शुरू होता है। कहाँ? तो धर्मशाला में रहते हैं, कांगड़ा वैली में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, पालमपुर, ये सारी जगह। तो जो गुलेरी जी थे ये गुलेर के थे, हिमाचल प्रदेश के, किंतु जन्म इनका राजस्थान में हुआ था और फिर इनकी कर्मस्थली भी राजस्थान बनी, मेयो कॉलेज में। ये बहुत छोटी आयु में प्राच्य विद्या ओरिएंटल जो एजुकेशन है उसके वो अध्यक्ष बने, बहुत छोटी आयु थी। बाद में उनको मदन मोहन मालवीय जी काशी में ले गए तो वहाँ उनको विभाग का प्रमुख बनाया गया, प्राच्य विद्या का भी और इतिहास का भी। तो उन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा है, ये तो कहानियां हैं, पर उन्होंने 100 से ज्यादा लघु कथाएं लिखी हैं, उन्होंने बहुत बड़े निबंध लिखे हैं। उनका एक कछुआ धर्म, मैं व्यंग लिखता हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो जो उनमें व्यंजना की शक्ति थी, जो सेंस ऑफ सैटायर थी, सेंस ऑफ ह्यूमर थी, वो बहुत जबरदस्त थी। वो उसके दर्शन उसने कहा था मेरी जगह जगह मिलते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है। तो हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जिसको ध्वनि संप्रदाय, कि जो कहा जा रहा है वो ध्वनित क्या हो रहा है, कि उसकी उसकी अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे हम कुछ कहते हैं किंतु उसका अर्थ कुछ और होता है, तो जिसको आप शास्त्रीय भाषा में व्यंजना कहते हैं। तो अगर मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्लास नहीं लेना चाहता। कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ, इस बीच में आस्था कुछ आपसे पूछना चाह रही, तब तक मैं पानी पीता हूँ, आस्था कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ कि सबको बात पहुंच रही है और कोई अगर कुछ सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं इतना ही कहूं। पहुंच रही है और सवाल भी आ रहे हैं मन में, तो उसका उचित समय कब होगा, अभी या बाद में? हम पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने लेखक पर बात करी है, कहानी पर बात अभी तक शुरू नहीं हुई। जितनी बातें हैं इसमें जो आप पूछना चाहें, अगर इनसे शुरू में आपने कहा कि ये कॉलोनियल पीरियड का जो असर है हमारे राइटर्स पर, तो अगर अभी एक विचार मन में आया कि उससे पहले की जो कहानियां थी प्री कॉलोनियल पीरियड की, जैसे पुराण है, इतिहास है, उपनिषद की बहुत सारी कहानियां हैं, और जैसा मैंने जाना कि उनका जब अनुवाद हुआ तो वो साहित्य विश्व में पहुंचा, उससे यहाँ के वैज्ञानिक, लेखक, समाज सुधारक बहुत प्रभावित हुए, उसका प्रमाण अब भी मिलता है। तो एक ये प्रश्न था, और दूसरा ये था कि मैं इसका उत्तर दे दूं। मैंने, अगर आपने ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि भारतेंदु युग से जब से नई कहानी जिसको हम कहते हैं आधुनिक कहानी, उसका जन्म जो है जब हुआ, मैं उसकी बात कर रहा था। ऐसे तो पीछे हमारी पौराणिक गाथाएं हैं, हमारे धर्म की हैं, हमारे पंचतंत्र है, वो ज्यादातर हिंदी में नहीं है, वो संस्कृत में है, पाली में है। तो हम उनकी चर्चा अगर करेंगे तो हिंदी में नहीं। एक टिप्पणी मान लीजिए, ये उसका उसका असर जो है वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत है। वो तो हमारा देखिए, सब जानते हैं कि जितना भारतीय दर्शन है, जितना हमारा बोध साहित्य है, नैतिक साहित्य है, नीति परक कथाएं हैं, वो सारी की सारी ट्रांसलेट होकर के वहां गई हैं और फिर वो वापस भी आई हैं। तो वो मैंने एक बात और कही थी कि पश्चिम का प्रभाव भी मैंने कहा था कि उसके प्रभाव से जो नयापन आता है, जिसको हम जो शॉर्ट स्टोरी ये थी हमारे पश्चिम में, उसी को हमने नई कहानी के रूप में बाद में कहा। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो हमने उसका स्पर्श नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम उन गाथाओं को लेते हैं तो हम वो, अगर वो विक्रमार्क की जो बात होती है, बेताल कथाएं हैं, सिंहासन बत्तीसी है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी हमारी संपदा है, पर वो हिंदी कहानी नहीं है, वो अनुवाद होकर के आई है, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि हमारा जो हमारी सीमा है वो अभी मात्र यहीं पर है, इसलिए। पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत उद्वेलित करता है ये सवाल, और फिर आप तो खुद ही एक दूसरा बिंदु है वो मैं भी रख देता हूँ, कि जो लोक कथाएं हैं, हमारी लोक कथाएं हैं और पूरे विश्व में लोक कथाएं प्रचलित रही हैं। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जोसेफ कैंपबेल, तो उन्होंने सभी लोक कथाओं का अध्ययन किया, विश्व की लोक कथाओं का जी, और उन्होंने पाया कि जो भारत की लोक कथाएं हैं उनका जो थीम है
उसको नैरो डाउन करते करते उन्होंने एक उसकी थीम बनाई, एक ही थीम पर आधारित बहुत सारी अधिकतर लोक कथाएं हैं। उसके बाद जो अमेरिकन इंडियन है, अमेरिकन इंडियन नेटिव अमेरिकन बोलते हैं, और मैंने भी इतिहास में पढ़ा कि भारत से 20-25 हजार साल पहले जो लोग आए थे वो आज के नेटिव अमेरिकन माने जाते हैं, ये अलग बात है इस पे लेकिन उनके थीम निकाली उन्होंने कि नेटिव अमेरिकन की जो लोक कथाएं हैं वो भारत की लोक कथाओं से हूबहू मिलती हैं, उनका थीम कथापट ये सब एक जैसा लगता है, ये मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ। ये हम जब लोक कथाओं पर बात करेंगे तो अवश्य इस पर हम लोग करना चाहेंगे, पर आज अगर हम भटक गए तो हम नहीं, तो इसलिए वो अपने मेरा दिमाग मन भटक गया था। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए जो लोग बहुत जानते हैं ना उनके सामने समस्या होती है, कोई इतना कुछ आता है ना वो उंडल रहा होता है, उसको समेटे कैसे क्यों होता है। तो इस समय आपने जो बात कही वो बहुत वाजिब है, महत्वपूर्ण है, और लघु कथाओं पर बहुत काम हुआ है, और सिर्फ अमेरिकन ही क्यों, कितनी विश्व की और भी कथाएं हैं जिनमें ईसप की कथाएं भी शामिल हैं, वो उनके सब पर, या खलील जिब्रान जो लिख रहे थे उन सबके ऊपर असर है, यानी अब्राहम ये जो हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक सब पर उसका असर है, किंतु वो बात हम किसी और दिन अगर करें तो, नहीं तो मैं भी भटक जाऊंगा। अभी हम गुलेरी जी, हम अब गुलेर के गाँव में चलते हैं, धर्मशाला में हिमाचल की ठंडी हवाएं खाते हैं। जी कोई और प्रश्न, कोई नहीं बस नहीं, मुझे यही कहना था कि आप जिस तरह जा रहे हैं हम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी रिफ्रेशर की जरूरत है, काफी सालों से हिंदी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है जी, तो आप जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं वो बताते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछूं? जी सर, बहुत छोटा सा है ये, जो हम अभी हम कुछ लिख रहे थे किसी को, शब्द की बात है, अंग्रेजी में ये शब्द आता है स्टोरी, व्हाट्स द स्टोरी, फिर हम ये जर्नलिस्ट लोगों को देखते हैं व्हाट्स द नैरेटिव, फिर हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये स्टोरी बता रहे हैं या नैरेटिव बता रहे हैं या फैक्ट्स बता रहे हैं, और हम लोग शब्द का प्रयोग जो करते हैं हम लोग कहते हैं कथा या कहानी, हम कुछ कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा हल्का सा, इसको आज बताने की जरूरत नहीं है, अगर अगर आपके कुछ विचार हो तो ठीक है, नहीं तो कभी। जो मैं आपकी बात समझा कि क्या है ना, हम इसको गल्प भी कहते हैं, इसको कथा भी कहते हैं, इसको कहानी भी कहते हैं, और कुछ और शब्द भी इसके लिए हैं, जैसे आपने नरेशन की बात की, नरेटिव का जो ये महाराष्ट्र में ऐसा एक प्रयोग होता है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, वो ही बहुत अच्छा है कि कहानी के कथा के जो विभिन्न प्रकार हैं वो किस प्रकार से भारत में है, हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे भारत के राज्यों में अलग अलग इस तरह से वो हैं, जिसका एक बात कही है धनंजय जी ने, जिनका स्वरूप लोक कथाओं में बहुत अच्छा मिलता है, तो कभी जरूर बात करना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग इतने प्रबुद्ध श्रोता हैं, कि मुझे लग रहा है कि मेरा संकट गहरा था, जाएगा आपसे बात करने में, बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी, जो गलीचे के साथ हुआ था, कहाँ कहाँ भटके थे वैसे ना हो जाए। बहुत बहुत आभार आपका, इस पर बात करते हैं। अब आते हैं गुलेरी जी की उस कहानी की तरफ, ये मैं आपको बता रहा था कि देखिए गुलेरी जी 10 साल की उम्र में, यानी 8 साल की उम्र में उन्होंने घर में संस्कृत सीखी, और 10 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और उन्होंने संस्कृत धारा प्रवाह बोलने आरंभ कर दी थी। उनका जीवन बहुत छोटा था, 39 वर्ष की आयु में वो चले गए थे, ये लगभग 100 वर्ष उनको हो जाएंगे, उनको 12 सितंबर 2022 को उनको पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि बिना इस बात को सोचे हुए जो धनंजय जी ने इसको आरंभ किया, तो हमने ऐसे व्यक्ति से किया कि जिसके निधन को ये 100 वर्ष है,
तो एक तरह से ये एक बहुत ऐतिहासिक तथ्यात्मक तिथि हो गई है हमारे लिए कि हम 2022 में उन पर बात कर रहे हैं और वो भी अमेरिका में बैठ करके बात कर रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लक्षण है। वो उन्होंने ऑब्जर्वेटरी का अध्ययन किया था, ठीक है, एक तरफ संस्कृत एक तरफ ऑब्जर्वेटरी, और फिर उन्होंने घर में ही फ्रेंच भी जर्मन भी बंगला प्राकृत मराठी ये भाषाओं के वो ज्ञाता थे, जैसे कहते हैं ना जो बहुत ही अतिशय विद्वता लिए हुए जो साहित्यकार होते हैं ऐसे कम होते हैं, पर उनमें से वो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे जिनको ज्योतिष के बारे में मालूम था, पढ़ाते थे, पुरातत्व के बारे में वो पढ़ाते थे, वो फिलॉसफी पढ़ाते थे, फिलोलॉजी पढ़ाते थे, वो फिर शिक्षा शास्त्र पढ़ाते थे, फिर चित्रकला भी वो खुद भी बनाते थे उसके बारे में बताते थे उन्होंने, और साइंस और पॉलिटिकल साइंस, यानी आप सोचिए कि कैसे कोई कोई एक व्यक्ति कितनी चीजों को समाहित कर सकता है, और सभी में उनकी योग्यता पूर्ण थी, और जीवन उनका मात्र 39 ईयर्स था, 39 वर्ष में उन्होंने वो कर दिया, और उसमें भी जो उन्होंने इतना लिखा बहुत कुछ लिखा, किंतु उसमें उनकी एक कहानी ने उनको विश्व प्रसिद्ध कर दिया, उसने कहा था। अब आते हैं उस कहानी पर। ये कहानी 1915 मैंने बताया कि देश की एक हिंदी की सबसे बड़ी पत्रिका थी सरस्वती, उसके बाद उस तरह की तो नहीं किंतु उतनी महत्वपूर्ण पत्रिका हमारे भारत में धर्मयुग थी, जिस जो आप सब जानते हैं, आपके समय की दो पत्रिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, जहाँ धनंजय भाई भी प्रकाशित होते रहे हैं और आप जानते हैं उनको। तो उसमें कहानी छपना बड़ा महत्वपूर्ण था, तो जब उन्होंने कहानी भेजी तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा प्रखर आलोचक उसका संपादक था, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए। अब मैं देखिए, मैंने पहले आलोचक की भूमिका बताई, समीक्षक की भूमिका बताई, और अब मैं भूमिका आपको बताना चाहता हूँ संपादक की। ये संपादक ने यदि जो कहानी जैसी लिखी गई थी अगर वैसी की वैसी श्रोताओं के पास या पाठकों के पास जाती तो गुलेरी जी का नाम इतना नहीं होता। इसके बहुत से प्रसंग उन्होंने काट दिए, बहुत जगह भाषा को सुधार कर दिया, एक जगह एक इसमें ऐसा गीत था कि जहां पर जो भारतीय सैनिक हैं, जो सिख सैनिक हैं, सिख रेजिमेंट्स हैं ब्रिटिश ब्रिटेन की, वो खाई की खंदक में एक वो पूरा बहुत बड़ा गीत था उसको शॉर्ट कर दिया कि वो, और उसमें कुछ शब्द बदल दिए, वो जिसे हम कहते हैं ना अश्लील था, जो ऑब्सीन वल्गर था वो काटा, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रसंग जो कि कहानी को उतना मर्मस्पर्शी नहीं बना रहे थे कि जो हमारे हृदय को छुए, उन्होंने उसको बदला, और ये देखिए, और गुलेरी जी ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने से ये हुआ कि वो कहानी जो है वो एक अमर कहानी के रूप में आ गई। इस कहानी में है क्या कि ये कहानी जहाँ से जो इसका समापन है, जो इसका अंत है, वही इसका प्रारंभ है। ये हमारे यहाँ फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति जिसको हम बोलते हैं, फ्लैशबैक कहानियों में सबसे पहले गुलेरी जी ने किया, यानी आप कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में गौरव मिला, हिंदी के प्रथम प्रेम कहानी के रूप में उनको ये गौरव मिला, और प्रथम फ्लैश दीप्ति फ्लैशबैक की जो शैली है, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसमें भी ये कहानी सबसे पहले है। ये जहाँ कहानी अंत होती, शुरू वहां से होती, लेखक ने लिखते समय इसका प्रारंभ वहां से नहीं किया, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं पूरा तो जो हमारा सजग पाठक है वो समझ जाता है कि ये कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। जब वो तो वो क्या थी कहानी, ये अमृतसर का एक भीड़ भरा बाजार है, और उस बाजार में एक लड़का जो अपने मामा के घर में आया हुआ है छुट्टियां बिताने, तो वहाँ एक ऐसी लड़की को देखता है, 8 साल की वो लड़की होती है और ये खुद 12 साल का होता है, तो उसको देखकर वो लड़की उसे अच्छी लगती है, तो उसको पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, आर यू एंगेज विद समबडी। ये उस जमाने की बात है ना जब छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 8-9 साल की लड़कियां 10-12 साल के लड़के, हम सब जानते हैं। तो लड़की कहती है धत, और शर्मा के चली जाती है। तो वो बाजार में मिलते हैं, वो भी अपने मामा के यहाँ आई हुई थी, तो छुट्टियां बिताने आए हुए थे, और कभी दही वाले के यहाँ, कभी पापड़ वाले के यहाँ, कभी किसी फेरी वाले के यहाँ ये लोग मिलते हैं, और हर बार जो लड़का है
वो शरारतन उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और वो हर बार धत कहती है और भाग जाती है। और उसकी इन्हीं अदाओं पर वो जिसे कहते हैं ना कि उसके मन में वो प्रेम का बीज पनप रहा है, जो कहा नहीं गया लेकिन पाठक जान गया कि इसके मन में उसके प्रति प्रेम चल रहा है। और एक दिन जब वो उसे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो बजाय धत के वो कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, जो जो मेरा जो दुपट्टा है ये रेशम से कड़ा हुआ है, ये देख नहीं रहे, ये तो तभी उड़ाया जाता है ना जब ऐसा कोई समारोह होता है। तो ये वाली बात सुनकर के उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लड़का, उसका नाम था लहना सिंह और जो लड़की थी उसका नाम था होरा। तो लहना सिंह, लहना जो बालक था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो जो उसके मन का जो वर्णन था वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने वर्णित किया है कि वो किसी वैष्णवी से जो नहाकर आ रही थी उसे टकरा गया, और उसने उसको अंधा का अंधे की उपाधि से विभूषित किया। एक एक अपना जो जो दूध लेकर आया था वो किसी ठेले वाले के यहाँ उंडेल दिया, किसी और बच्चे से टकरा गया तो उसने उसको, मतलब वो सब कि किस तरह से वो विचलित हो गया कि उस लड़की ने ये कैसे कह दिया कि मेरी कुड़माई हो गई है। ये यहीं तक की कहानी थी पहला भाग। इसके बाद 25 साल बाद हमें ले जाता है कवि। पर दरअसल क्या है कि 25 साल बाद जब वो जिस जगह होता है जो मैं बताऊंगा, वहां से कहानी का पहला चरण आता है कि 25 साल हो गए इस घटना को, यानी लहना सिंह 37 वर्ष का हो गया है और विवाहित भी हो गया है, उसके बेटा भी है। ये उसमें आपको डायलॉग से पता चलता जाएगा जिस शैली से, जिस शिल्प से कहानीकार ने कहानी लिखी है, उसमें रोचकता के साथ साथ काफी सस्पेंस और बुद्धि लगानी पड़ती है कि ये क्या कहना चाह रहे थे। तो जहां बुद्धि ज्यादा लगती है, कई सारे अर्थ निकल के जब आप पहुंचते हैं, तो हम साहित्य में कहते हैं ये उसका एक उत्कृष्ट, एक बहुत श्रेष्ठ तत्व है। जैसे चित्रकला देखते हैं आप ना, जो जो उसकी व्याख्याएं होती हैं जिसको हम बहुत देर बाद पहुंचते हैं, जैसे कविता को हम सुनते हैं अपने अपने अर्थ लगाते हैं, तो ये कहानी भी वैसी है कि उसके अपने अपने अर्थ लगने के बावजूद हम किसी एक निश्चित स्थल पर पहुंच जाते हैं। ये इसकी विशेषता है कि उसके मन में प्रेम था, वो भूल गया कौन हो रहा, कौन क्या, कौन लड़की, कौन अमृतसर का भीड़ भरा बाजार, वो सारा। और अब वो लाम पर है, और जो उसका सूबेदार है, जो उसका इमीडिएट ऑफिसर है, वो उसको एक बार उसके घर कुछ देने जाता है, तो उसे कहता है कि तू भी तैयार हो और हमें लाम पर चलना है, फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर हमें जाना है। लाम, तो लाम का मतलब आप जानते हैं, आशा ने पूछा, युद्ध, युद्ध क्षेत्र, जो युद्ध क्षेत्र है। तो जब युद्ध के लिए सैनिक जाते तो हम उसे लाम शब्द का प्रयोग करते थे उस जमाने में। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इस कहानी में। नहीं, मैं सिर्फ एडमिट कर रही हूँ मिलिंद जी को। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अब हम प्रयोग में नहीं लाते। हाँ, शिल्प की दृष्टि से भी। जी 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 बिल्कुल। इस कहानी की विशेषता है कि इसमें तो जर्मन शब्द भी हैं, अंग्रेजी भी हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, मुल्तानी शब्दों के प्रयोग इसमें हुए हैं। बहुत अच्छे। कुड़माई देखिए, जैसे शब्द है, अब आपसे कुड़माई कोई नहीं कहता, पंजाब में भी सगाई कहते हैं, पर ये एक उस समय का प्रचलित शब्द है एंगेजमेंट के लिए, कुड़माई हो गई है। और सालू नहीं, अब कहते हैं शॉल कह देते हैं, दुपट्टा कहते हैं, चुन्नी कहते हैं, कुछ ऐसे कुछ और भी कहते हैं, मैं उसको भूल रहा हूँ। मैं अमेरिका में उसको सुनता था कि जो आप ऊपर उड़ते थे उसको क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा सा शब्द है। खैर, नहीं स्कार्फ नहीं, जब आप कुछ उड़ते ना सर्दियों में जाते लेते तो उसको आप कुछ, खैर तो ये ऐसे शब्द है। तो वहां लड़ाई में, हाँ तो लड़ाई में जाना है, तो तब वो अचानक देखता है कि अरे वो तो सूबेदारनी को पहचान गया, सूबेदारनी ने उसको पहचान लिया, और उसने उसको कहा कि तूने मुझे पहचाना नहीं, धत तेरी कड़माई हो गई। ओ, तो उसके सामने वो रील घूम गई, कहता अरे ये तो हो रहा है। तो उसके उसका जो सोया हुआ प्रेम था 25 वर्ष पूर्व का, वो दोबारा जाग जाता है। और फिर वो उससे कहती है, उसको कहती है कि बोधा सिंह भी साथ जाएगा नाम पर। बोधा सिंह उसका बेटा है, अनुमान कीजिए, मैंने हिसाब लगाया था 17 साल का होगा, युद्ध में तब 17-18 साल के बच्चे जाते ही होंगे, आज भी जाते। तो वो कहती है कि ये बेटा भी साथ जा रहा है। फिर उससे प्रार्थना करती है
उसे कहती है कि जैसे तूने मुझे एक बार अमृतसर में घोड़े की लातों के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ये था जो उसने कहा था, है ना। ये उसका वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बिंदु है जो पूरी कहानी का एक विस्तार दे रहा है। उसने कहा था, यानी सूबेदारनी होरा ने, जो तथाकथित उसकी पूर्व जिसको वो चाहता था, उसकी एक लाइक थी, तो उसने उसको ये कहा कि जैसे तूने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, वैसे ही इन दोनों के प्राणों की रक्षा करना, उसने कहा था। अब उसके मन में ये आ गया, कहीं लेखक ने नहीं लिखा कि उसके मन में ये आ गया कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं कहा। जो वर्णन हो रहा है परिवेश से, घटना दर घटना दर घटना, उसमें हम समझ जाते हैं कि वो उसने असल में क्या कहा, किसने कहा था। और जब लाम पर जाते हैं तो सचमुच वो ये दोनों काम करता है। क्या होता है कि सूबेदार चूंकि उसका इमीडिएट ऑफिसर है, और अचानक वो कहते हैं कि लेफ्टन साहब आ गए, लेफ्टिनेंट थे जर्मनी के, वो आ गए। तो वो असल में वो जर्मन नहीं था, वो व्यक्ति अंग्रेज था, अंग्रेज नहीं था, जर्मन था। यानी अंग्रेज ऑफिसर आते हैं, लेफ्टिनेंट उनका बॉस जो सूबेदार से ऊपर होना चाहिए होता है, तो वो एक जर्मन व्यक्ति, चूंकि वो भी गोरे चिट्टे होते हैं, उन्होंने शेव, वो उस तरह से बनकर के आ गया, बालों को काट कर जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, तो वो जर्मन अंग्रेज के वेश में आ गया। और उसने अपने आप को स्थापित किया कि अब मैं यहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, और सूबेदार को उसने पूरी पलटन लेकर के दूसरी जगह भेज दिया, मतलब उनको गुमराह कर दिया कि तुम वहां जाओ। और वो उस जगह पर आ गया जहां से वो उस अटैक करके विजय प्राप्त कर सकता था। तो वहां सूबेदार के बाद जो सबसे बड़ा ऑफिसर था वो लहना सिंह था। तो लहना सिंह कैसे समझा कि वहां उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है कि वह सो वाइज, है ना, कि उसमें वो, क्योंकि उसने देखा कि वो ओट में उसके सामने सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट ऑफर कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अजीब लगा कि अंग्रेज ऑफिसर जानते हैं कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते, बट ही इज ऑफरिंग मी द सिगरेट, तो ये क्या, उसको शक हुआ। और फिर उसने, उसके कटे हुए बाल उसकी टोपी में से नजर आ गए, तो उसको समझ में आ गया कि ये तो अंग्रेज जैसा नहीं है। तो फिर उसने ये पक्का करने के लिए कि क्या ये अंग्रेज है कि नहीं है, एक शब्द जाल बुना, है ना, उसने शब्द जाल बुना। उसने कहा वो मैं समझ गया, आप गए थे उस नील गाय का शिकार करने, वहां पर प्लाटून के दफ्तर में नील गाय का सिर लगा हुआ था, तो नील गाय, तो जहां नील गाय नहीं होती तो वहां का उसने पता बताया। वो बनावटी था, वो यस 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 हाँ अपना करता रहा कि बिल्कुल ठीक है जो जो ये कहता रहा। और फिर उसने कहा कि मैंने बहुत लोगों के छक्के छुड़ाए हैं, एक बार फलाना मौलवी आ गया था शहर में, गांव में, है ना, उसने क्या क्या किया और वो कैसे औरतों को बरगलाता था, तो कैसे किया, तो वो उसको भांप रहा था। और वो भांप गया कि ये समझ गया अपनी बातों से कि भाई देखिए, ना सिख सिगरेट पीते हैं, ना जर्मनों के बाल अंग्रेजों जैसे होते हैं, ना ये जो उसका चाल चलन है ये पहचान नहीं रहा है। तो उसने फिर उसको काबू किया और उस पर अटैक कर दिया, फायर कर दिया। और जब फायर किया, फायर करने के बाद जो उसकी वाचालता थी, जो ज्यादा बोलने की आदत थी, उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा नहीं भूलना चाहिए, बशर्ते कि वो प्रोफेसर ना हो। तो तो उसने वो समझ गया कि लहना सिंह मुझे समझ गया कि मैं कोई और हूं, भेष बना के आया हूं। तो वो भी बड़ा चालाक था, उसने बचाव के लिए अपनी जेब में हाथ डाले और उसमें लिखा है हेनरी मार्टिन, वो उस पिस्टल का नाम है जो उसने थी, और उसने उससे एक गोली चला दी। तो ये उसको दूसरा घाव, एक घाव उस जो उसकी लगी पसली में, और गोली लग गई उसको, पहली गोली पैर में लगी, हाँ पहली गोली, हाँ जांग में लगी थी, दूसरी पसली में लगी थी, जो बाद में गया। जी हाँ जी, तो वो गोली उसके लगी, तो उसने उसको कसके बांध लिया, और जैसे उन्होंने फायर किया उसने भी तुरंत उसको मार दिया। उसने फायर करके लहना सिंह ने जर्मन ऑफिसर का मार दिया, और जो उसका दूसरा मातहत था बोधा सिंह, तो बोधा सिंह को उसने कहा
कि जो सैनिक था कि तुम दौड़ करके जाओ और जाकर के सूबेदार को कह दो कि वो सब नकली था और वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर 70 जर्मन लोग, जर्मन सैनिक थे, जो एक उनकी कंपनी थी, दो कंपनियां वो आ रही थी हैं इनके साथ, तो हम ऐसा करेंगे कि मैं इधर से अटैक करूंगा और आप लोग पीछे से अटैक करना, तो हम इन पर काबू कर लेंगे। क्योंकि लैना सिंह और बोधा सिंह मिला के केवल 8 लोग थे, तो इस पर बोधा सिंह ने कहा भी था कि हम तो सिर्फ 8 हैं। तो उसने एक बड़ी बात कही थी जो मानी जाती है सिख संप्रदाय में बड़े गौरव से, कि एक सिख 125,000 के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1,000,000 के बराबर हैं, यू जस्ट डोंट वरी, गो एंड ब्रिंग सूबेदार हियर। तो वो भाग के चला जाता है और इधर ये तक तक के, चंद्रदेव शर्मा के गिलेरी के शब्दों में, तक तक के मार रहा था, चुन चुन के अपने को बचाता जा रहा था, उनको मारता जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वजीरा सिंह पहुंच गया, सूबेदार उधर से आ गए, अब दो पार्टों के बीच में जो वो 70 सैनिक थे वो घिर गए, उधर से सूबेदार की सेना ने मारा और इधर से 8 लोग मार रहे थे, तो 63 लोग जो है उन्होंने मार दिए। और इनके भी और इनका क्या हुआ कि इनमें इसको बहुत जबरदस्त घाव लग गया, इसने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो बोधा सिंह था, बोधा सिंह आप समझ जाएंगे जो सूबेदार का बेटा था, यानी सूबेदारनी का बेटा था, सूबेदारनी जो होरा जो जिसके प्रति उसका क्रश था और जिसने उसको वचन लिया था, लिया नहीं था, सिर्फ कहा था कि जैसे तूने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, घोड़े की लातों के नीचे से आने से बचाया था, ठीक वैसे ही मेरे पति और पुत्र को बचाना। तो ये उसने वो देखा कि बोधा सिंह ज्वर से ग्रस्त था, बहुत हाई फीवर उसको हो गया था, तो वो युद्ध में लड़ भी नहीं सकता था, तो और सूबेदार को भी एक गोली लगी थी, वो उसकी कंधे से आर पार हो गई थी, तो उसने उसमें गिली मिट्टी अपने ही भरी, उसको भी भरा और उसको कस दिया पट्टियों से कि तुम जाओ। जब कुमुक आ गई, कुमुक यानी जो रेड क्रॉस की जो भी गाड़ी आती है जहाँ वापिस ले जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिलिट्री में, तो वो तुम चले जाओ। तो उसने बहुत कहा सूबेदार ने कि देखो तुम चलो, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी। तो जो दूसरी गोली लगी थी उसके बारे में लैना सिंह ने किसी को बताया नहीं कि अगर पता चलेगा तो मुझे जबरदस्ती वो हॉस्पिटल ले जाएंगे, पर उसको तो उन दोनों को बचाना था कि आप जाओ और मैं यहाँ हूँ, और उसको वो जो अपनी मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए भी काम करना था। तो उसका शौर्य भी था और उसका जो प्रेम का प्रतिदान था, जो भले ही हम कह सकते हैं एक तरफा था, या हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्रश उस बच्ची को भी हुआ होगा जो बार बार दोनों मिलते थे और वो जवाब देती थी, हाँ जो भी है, वो आज का जमाना तो है नहीं, वो उस जमाने में इतनी हाई हेलो हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो तब वो उनको भेज देता है, और भेजने जब वो लोग चले जाते हैं, यानी अब सूबेदार भी सुरक्षित, उसका बेटा बोधा सिंह भी सुरक्षित, तो एक तरह से उसने वो कह दिया जो उसने कहा था पूरा ने, सूबेदारनी ने, इसने उसका पालन कर दिया, उनको सुरक्षित सेफ जो है वो भेज दिया, उस लाम से युद्ध क्षेत्र से उनको भेज दिया। अब उसके बाद वो उसको बेहोशी आती है और वो लेट जाता है, लेटता है तो उसकी जांघ में बहुत दर्द हो रहा है, खून रिस रहा है, घाव रिस रहे हैं, और वो जो वजीरा सिंह है जो वो उसको अपने जांघ पे उसका सिर रख लेता है। तो अब उसका मृत्यु से पहले कहते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल बात उन्होंने, गिलेरी जी ने पहली बार एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी किया, कि मृत्यु के समय जब मृत्यु पास होती है तब जो सबसे अधिक चीजें याद आती हैं वो क्या होती हैं, वो याद आती हैं जो सबसे प्रमुख घटनाएं जीवन की होती हैं वो याद आती हैं, जिन्होंने हृदय पर और मस्तिष्क पर प्रभाव डाला हो। तो तब वो बेहोशी में बड़बड़ाता है, वो बड़बड़ाते हुए फिर वो कहता है कि अमृतसर का वो भीड़ भरा बाजार, जहाँ के बम्बू काट वालों की भाषा सुन करके जो शहरी लोगों को सीखनी चाहिए, वो कैसे कहते हैं बच जा जीने जोगी है, बच जा पुत्रा वाली है, बच जा कर्मा वाली है, और उसके बाद एक लड़की का आना और इसका पूछना कि तेरी कुड़माई हो गई है, और उसने कहा धत, और उसके बाद उसकी तंद्रा टूटती है और वो कहता है वजीरा सिंह पानी पिला। दोनों जगह कहानी चल रही, वजीरा सिंह पानी पिला, एक जो वर्तमान है प्रेजेंट है उस समय का, और एक जो पास्ट है उस समय का जब वो अमृतसर में मिले थे, दोनों साथ साथ समानांतर चल रहे हैं, और इसमें वजीरा सिंह की भूमिका जो है
थोड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहता है विजय सिंह पानी पिला, फिर उसका स्वप्न चलता है कि सूबेदार ने कहा था कि जब तू जाएगा तो ये चीज वहां मुझे देते जाना। वो उसके घर गया है और सूबेदारनी ने उसको कहा कि मैं तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूँ रेशम से कड़ा सालू। तो उसको याद आ जाता है धत। तो फिर उसकी तंद्रा टूटती है, वो कहता है वजीरा सिंह पानी पिला। तो फिर वो पास्ट से प्रेजेंट में आता है, वो उसको पानी पिलाता है, पानी पिला के फिर बेहोशी आती है। फिर वो आगे चलता है कि कैसे वो जर्मन जो लेफ्टिनेंट बनकर के अंग्रेज के रूप में आता है और कैसे वो उसको मारता है। उसके बाद वो फिर वजीरा सिंह से ही कहता है पानी पिला, फिर उसके बाद वो बताता है। तो वहीं तक वो पूरी कहानी ले आता है। फिर उसने जो संकल्प किया था कि जब मैं तो गुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा जहां मेरा घर होगा और भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और जो मैंने पौधा लगाया है वो बहुत फल दे रहा होगा। तो वो कल्पना उसके दिमाग में आ गई कि मैं इस समय अपने भाई कीरत सिंह की गोद में हूं। जो उसने सोचा था कि अगर मैं मरूंगा तो उसकी एक इच्छा थी कि मैं मेरा सिर उसी गोद में होगा और ये मेरे बच्चे देखेंगे कि ये वृक्ष कितना बड़ा हो गया। तो कहता है कि देखो इसमें फल लग गए हैं और कीरत सिंह ऐसा हो गया है, भाई बुधा सिंह पानी वजीरा सिंह पानी पिला। और उसके बाद फिर एकदम से कुछ नहीं, स्टार 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 बनाए हैं लेखक ने। और उसके बाद लिखा है कि कुछ दिनों बाद सबने पढ़ा कि सिख रेजिमेंट इतनी इतनी और उसमें घावों से मरा जमादार लहना सिंह, 63वीं सूची। कहानी समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जहां से वो समाप्त हुई है दरअसल वहीं से आरंभ हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो उस क्रश, जो उस प्रेम के रूप में आप इसको ले रहे हैं, जो एक वीर सैनिक के भारतीय सैनिक का शौर्य है और जो रिश्तों की प्रगाढ़ता बता रहा है कि उसको रिश्ते आ रहे हैं, उसको अपनी पत्नी का, भतीजे का, बच्चे का ध्यान है, वो पर्यावरण जो वृक्ष लगाया है उसकी बात भी कर रहा है। और जो ये होता है कि हम अपनी जन्मभूमि में, हम वहां जाकर के मरे, आज हम विदेश में हैं, किंतु ये कितने लोगों का सपना होता है कि हम आ तो गए किंतु हम, मैं जानता हूं एक लेखिका को, मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था, उनका बड़ा नाम है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बड़ा संतोष है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ मरूंगी। और उसके बाद वो वहीं उत्तर प्रदेश के उस गांव में, उस कस्बे में ही उनकी डेथ हुई। तो ये वो ये यानी ये सारी चीजें, तो इसमें प्रवास भी है। देखिए आप सब लोग प्रवासी हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह शिद्दत से महसूस करते हैं कि अपनी धरती से दूर रह करके धरती आपके कितने करीब है, वो परंपराएं आपके कितने करीब हैं, वो दर्शन आपके कितने करीब है, वो सारे धर्मगुरु कितने करीब हैं। तो ये कहानी एक साथ बहुत सारी परतें खोलती है, बहुत सारी बातें बताती है। इसलिए कहानी इतनी जीवंत है आज भी कि आज भी ये भारत का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है कि जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और वहाँ ये कोर्स में ना लगी हो। हम सबसे अधिक कब परिचित होते हैं लेखकों से, जब वो कोर्स बुक में होते हैं। तो ये कहानी ऐसी है जो हमने मिडिल क्लास में पढ़ी, हमने मैट्रिकुलेशन में पढ़ी, हमने बीए में पढ़ी, हमने एमए में पढ़ी, लोगों ने इसमें पीएचडी की, और फिर जब मैं लेक्चरर बना तो मैंने ये कहानी पढ़ाई भी। और ये ऐसी कहानी है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब आपको सहृदयता से पढ़ेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोरें भीग जाएं। बहुत पावरफुल स्टोरी, इमोशनल भी है, और ये आपको कहाँ ले जाती है, जब आप इस कहानी को खुद पढ़ेंगे तो आप उसको जरूर अच्छी तरह समझेंगे, अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं पढ़ी तो। तो ये मैं समझता हूँ मेरी बात पूर्ण है। आपने मुझे बहुत आग्रह से, सम्मान से सुना, बहुत आभारी हूँ। पुनः आभार व्यक्त करूंगा भाई धनंजय जी पर, जो खुद में ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है इनका, कितने कितने आयाम है। आज मैं सुबह ही इनसे फोन पे कह रहा था कि मैंने इनका एक लेख पढ़ा जो उन्होंने अपना एक संस्मरण दिया सत्यजीत रे पर। सत्यजीत रे विश्व की कितनी बड़ी विभूति हम सब जानते हैं, तो उसको लेकर मैं कह रहा था कि आपका कहाँ सत्यजीत रे, फिर उसके बाद कितना वो भारतीय फिल्म जगत, और उसके बाद आपका अध्यात्म, आपका योग, आपका शिक्षा, आपका लेखन। तो मैं उनका धन्यवादी हूँ, और आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। कोई आपके प्रश्न है? ये प्रथम विश्व युद्ध का संदर्भ कैसे आया इसमें, क्योंकि वो तो
उस जमाने में तो खबर भी नहीं आती होगी इतनी आसानी से। नहीं नहीं खबर आई ना 1914 में युद्ध शुरू हुआ तो भारत के सैनिक गए हैं तो खबर तो आनी। तो सैनिक लाए हैं वो खबर। हाँ सैनिक लाए और फिर वो जो बाकी टाकी जिसको बोलते थे ना वायरलेस तो होता ही था ना। हाँ। तो भारत में तो सारी खबरें जाएंगी ही जब उनके सैनिक हैं उनके फैमिलीज हैं उन फैमिलीज को चिट्ठियां भी जाती थी संदेश आते थे। जैसे वो कहता भी है एक जगह कि आप सूबेदारनी को मेरा मत्था टेकना कहना भी जब मिलो और लिखना भी जब पत्र लिखो तो वो है। अच्छा एक एक चीज इसमें धनंजय भाई बड़ी अजीब है कि बहुत से लोग इसको ना सेकंड वर्ल्ड वार से जोड़ते हैं क्योंकि हम सब लोग सेकंड वर्ल्ड वार के किससे ज्यादा पढ़ते हैं हम हिटलर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने भ्रमवश जब वो लिखते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन से युग की कहानी है कि जब वो रहे भी नहीं थे वो तो चले गए थे इतने वर्ष पहले उसके बाद का जो युग था जो 43 और 48 वाला जो था उसकी कहानी है तो समीक्षा में बाकायदा लिखते हैं। मैंने देखा तो अब हर एक जगह तो हम लोग नहीं बता सकते सब लोग सब तो उसको बढ़ते भी नहीं है तो ये बहुत बड़ा भ्रम भ्रांति है सेकंड वर्ल्ड वार की। लोग हिटलर की बात करने लग जाते हैं नाजीज्म की बात करते हैं बट ये जैसे आपने अभी कहा कि युद्ध तो विश्व में कहीं ना कहीं हर समय युद्ध हो ही रहा होता है और आजकल तो हम आए दिन अखबारों में और न्यूज में यही सुन रहे हैं। और जब हम न्यूज की बात सुनते हैं और ये सुनते हैं वहां युद्ध हुआ यहाँ बमबारी हुई तो हम ये नहीं सोचते कि उसमें कितने सारे लहना सिंह होंगे कितने सारे प्रेम संदर्भ होंगे जो कहीं टूट रहे होंगे कहीं रो रहे होंगे किसी पेड़ की छांव की आस में होंगे। तो ये वाली जो उसका पर्सपेक्टिव है कहानी का कि युद्ध के बीच में एक प्रेम कथा और ऐसी प्रेम कथा जो प्रासंगिक तो उतनी अब नहीं है आज के युग में लेकिन प्रेम कथा होना प्रासंगिक है क्योंकि प्रेम शाश्वत ही है। कोई भी युग हो तरीका बदल जाता है प्रेम करने का। हो सकता है आज एक की जगह चार क्रशेस हो या पार्टनर भी अधिक हो पर प्रेम शाश्वत रहता है। और उससे हमें ये भी समझ में आता है कि देखिए उसका चरित्र चित्रण शुरुआत से वॉर में ऐसा दिखाया है कि वो अपनी जर्सी उतार कर जो बीमार है उसको दे रहा है उसको कह रहा है मैं यहाँ पे रहूंगा मैं पीछे हटूंगा। तो ऐसे चरित्र का आदमी ही इतना बड़ा त्याग कर सकता है कि क्यों 8-25 साल पुरानी किसी प्रेमिका या प्रेमिका भी नहीं थी जान पहचान वाले के बच्चे को बचाने के लिए प्रयास करे। आदर्श चरित्र हमें पुरानी कहानियों में ही दिखते हैं। आजकल हम फिल्में देखें या कहानियां पढ़ें तो चरित्र एकदम उल्टे हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि अरे वाह कितना अच्छा चरित्र चल रहा है और एकदम से वो खूनी बन जाता है। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी इस कहानी को अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से देखें कि रिश्ते कैसे होते थे और युद्ध में क्या क्या होता था तो भी बहुत कुछ जानने के लिए है। आप लोगों के कोई सवाल हैं अगर इसमें तुमने जो कहा ना कि इस कहानी को 5 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें 3 हिस्से जो है वो युद्ध के ही हैं। युद्ध पर इतने अच्छे ढंग से बहुत कम लिखा गया है ऐसा लगता है कि जैसे वहीं सामने खड़े होकर के युद्ध देख रहे हैं। जी अच्छी बात की आस्था आस्था भी काफी इंटेलिजेंट है लगता है।